हेलो वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हेडर फुटर को लेकर के बना रहा हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन किया है और यहाँ पर कुछ एक तरह से कह सकते हैं टाइम टेबल या कुछ और चीज़ें हम बना सकते हैं इन टेबल्स के अंदर। यहाँ पे देखिए टेबल क्रिएट कराया मैंने और अगर आपको हेडर बनाना है तो आपको करना क्या होगा, देखिए पहले के वर्जन जो आते थे XP वगैरह तो वहाँ पर हेडर जो है व्यू टैब में दिखाई देता था हमें। देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर पार्ट आ जाएगा आपका, ये देख सकते हैं ये हेडर आ चुका है। अब यहाँ पर आप जो भी हेडर देना हो, जैसे मान लीजिए किसी भी स्कूल का नाम देना हो तो यहाँ पे कुछ इस तरह से करके आप स्कूल का नाम दे सकते हैं। लाइक देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया ABC स्कूल, ठीक है। अब ये जो है ना, ये जो हिस्सा है ना, इसको आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं या बड़ा भी कर सकते हैं, अलाइन भी कर सकते हैं। अलाइन यहाँ से जाइए और इसको बीच में अलाइन कर दीजिए, सेंटर में अलाइन कर दीजिए, तो ये आपका हेडर पार्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात, नीचे और भी लिख सकते हैं, ठीक है। आपको डिटेल में हेडर देखना है तो आप यहाँ से जा करके और यहाँ पर आपको मिल जाता है हेडर फुटर ऑप्शन। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, आप जिस भी तरह से चाहे हेडर लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर देखेंगे तो ये देखिए ये अलग अलग स्टाइल दी गई है, आप किसी भी तरह से हेडर लगा सकते हैं। और अगर आपको हेडर को हटाना हो तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, रिमूव हेडर दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर जब आते हैं नीचे, यहाँ पर जब आते हैं आप, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि अगर दूसरे पेज पे जाते हैं तो ये हेडर आपको ऑटोमेटिकली दिखाई दे जाएगा, आपको बार बार इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं। देखिए जैसे कंट्रोल के साथ एंटर करता हूँ पेज ब्रेक के लिए, तो यहाँ पर आते हैं तो ये देखिए हेडर पार्ट तो आपका यहाँ पर भी आ जाएगा। फिर अगर तीसरे पेज पे आता हूँ मैं कंट्रोल एंटर करके, तो ये हेडर पार्ट तो आपको दिखाई देगा ही देगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हेडर पार्ट आपको हमेशा दिखाई देगा, समझ में आ रही कि नहीं बात, हेडर पार्ट आपका रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इसको बार बार इंसर्ट कराने की जरूरत नहीं। अगर मैं फिर यहाँ से कंट्रोल एंटर करता हूँ तो ये देखिए ये पेज नंबर 4 है, यहाँ पे देख सकते हैं पेज नंबर 4 है और 4 नंबर पेज पे भी हेडर आपका दिखाई पड़ रहा है। अगर आप फुटर भी ऐड कराना चाहते हैं तो बहुत से लोग फुटर पे क्या ऐड कराते हैं, फुटर के ऊपर बहुत से लोग पेज नंबर ऐड कराते हैं, तो यहाँ पे पेज नंबर दिया हुआ है, आप चाहे तो पेज नंबर भी दे सकते हैं या फुटर पर अगर आपको बुक का नेम वगैरह वगैरह इस तरह की कुछ चीजें देनी हो तो आप वो भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ मैं तो ये देखिए फुटर में ये हिस्सा आ गया है और अब यहाँ पर हमें फुटर देना है, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ IT टूल्स, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा मैंने IT टूल्स, तो ये मैंने बुक का नेम दे दिया IT टूल्स कुछ इस तरीके से, ओके। तो अब ये फुटर भी हर पेज पर आएगा आपका, हेडर तो आ ही रहा है ABC स्कूल और यहाँ पे फुटर भी आएगा आपका हर एक पेज पे। तो ये देखेंगे नीचे तो आपको नीचे यहाँ पे IT टूल्स दिखाई पड़ रहा है, दूसरे पेज पे ये तीसरा पेज है आपका, यहाँ पर भी IT टूल्स दिखाई पड़ रहा है और ये चौथा पेज है आपका, यहाँ पर भी IT टूल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब जब इसको आपको हटाना होगा तो यहाँ पर बीच में क्लिक कर दीजिए और हटाने के लिए आपको कहाँ जाना है, वापस से वहीं इंसर्ट टैब पे जाना है, इंसर्ट टैब पे जाइए और यहाँ से जाकर के अगर आपको हेडर को रिमूव करना हो तो यहाँ पे रिमूव हेडर का ऑप्शन मिल जाता है, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हो तो हेडर गायब हो जाएगा। देखिए अब केवल फुटर दिख रहा है आपको, अगर फुटर को भी रिमूव करना हो तो ईजिली आप रिमूव कर सकते हैं यहाँ से जा करके और रिमूव फुटर कर दीजिए तो फुटर भी रिमूव हो जाता है। ये बहुत आसान है, आई होप कि इससे काम हो जाएगा आप सबका। तो अगर काम हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।